यह उपदेश दिता तो गुरु प्यारे सुखेर वालू चलो गुरु के साहब जावे जानी खा तो मानी खा नाल ने दो थानेदार एक सज्जे खबे रस्ते जाद्या पहला लगे देन नाल च फिर लाल धमकिया से डरावे साहब जावे तुहाडे पिता जी पगड़े गए तुहाडे वड्डे पाता शहीद हो चुके ने सिंह मुक चुके ने चमकौर साहब के विच आज तुहाडी राखी करन वाला कोई नहीं सहायता वाला कोई नहीं अजे वजीदे की कचहरी कलगी परदा दरबार नहीं जांदिया फतेह नगर जाए चौको सलाम कर दो मैं सिफारिश करके तुहाडी जान बचाउण दा यत्न करांगा साहब जावे कह रहे ने सानू पता है सोचे समझिया सी सानू समझाउण दी कोई लोड़ नहीं रस्ते च पुछ रहा जोरावर सिंह जी कहणगे फतेह सिंह जी और पुरत की कचहरी है जे फतेह की जाइए तो उत्तर नहीं मिलना फतेह की निरादरी होगी किवें करिए फतेह सिंह जी कहन लगे जोरावर सिंह जी तुसी भी गुरु का खालसा ते मैं भी खालसा तुसी मेरे वालों केड़ा करो मैनू फतेह के जाओ मैं फतेह का उत्तर देवां गुरु प्यारे गुरु के साहब जाके कचहरी में पहुंचे ने जानते हो सार एक दूजे वाल किया चेहरा ते गद के फतेह किवें गजाई वाहिगुरु जी का खालसा बंध जुड़ गया सुन के जान माने एक ही बनिया शेर के पुत्र शेर ही हुए भावे उम्र छोटी है पर इन्होंने कौतुक के कारनामे बड़े बड़े करने ने हम लगे समझाने निकट वर्ती तनाए वजीदा आप साहब जा रहे हो तुहाडे पिता जी शहीद हो चुके हैं तुहाडे वड्डे भराता शहीद हो चुके ने नहीं हम तुहाडी कोई सहायता कर तो तुहानू वड्डिया होया नू वड्डे वड्डे अहुदे मिलणगे जो चाहो मरात में मिलणगे बड़ी चंगी गल जो सुनत परिवार उत्ते केस कटा लो गुरु के साहब जाके कह लगे सूबिया जिहड़े सूरज के पास तीन काला ने रानी आ सकता कौन है जिहड़ा साडे पिता जी नूं कोई पकड़ सके उन्होंने अपने खुशी के कौत कहन जानबूझ के चोज रच रहे ने उन्होंने पकड़न वाला कोई नहीं जमया जे साडे वड्डे प्राता जी शहीद हो चुके ने तो उन्होंने मुबारकबाद बड़ी चंगी गल तो बहुत ही चंगा होया धार्मिक युद्ध कर रहे खिड़े मत्थे सत खंड पहुंचे हैं असं उन्होंने छोटे भाता है उन्होंने कट करनी नहीं विखावे करा जो चाहो सानू परख लो असं भी तुहाडे दित्ते लाल चंद फसल वाले सानू एक गुरती मिली है असं जानते हैं तो साड़ी एको एक अरदास है कलगी धर के चरणों से अकाल पुरख के चरणों में कह लगा सूबा तुसी की चाहते हो की करोगे तो गुरु के साहब जी ने उस मौके एक नारा लाया कि दालम की कचहरी में फिर जावे जावे दादा सिखी फिर जावे जावे दादा सिखी जावे देशी कचहरी वापस मोड़ दिते ने इन्हें होर समझाओ जतन करो कल न सही उस मौके से मलेरिए ने हा का नारा मारिया कि छोटे साहबजादे ने कल कचहरी में नहीं बुलाने चाहिए इन्हें बरी कर देना चाहिए यह नहीं किसी कुरान लिखा हुआ कि दो बंदियां वाले बच्चों से जुल्म किया जाए यह मुसलमानी मत का विरुद्ध है इस वास्ते साहबजादे ने कचहरी में बुलाना ही पाप है छोटे सत्त से नौ साल की अवस्था वाले साहबजादे कचहरी में नहीं बुला चाहिए फिर इन्होंने दादी जी दुर्ग ने उन्होंने नहीं तशद किसी प्रकार का दुख देना चाहिए पर नहीं कल फिर बुलाए ने माता जी के पास साहबजादे पहुंचे खुशी नाल फतेह गजाई प्यार दिता सत्कारिया तो अगला दिन आया पता लग गया माता जी ने कि अज साहबजादे शहीद होंगे और अज का दिन सी कह दिता साहबजादे मेरा भी प्यारा है तुम हम सखा चढ़ाई करनी अज गज वज के रहे हो जब कचहरी में जाके फिर फतेह गजाई उस मौके से सनद को कह लगा तो जम दिया सूलों के मूह पिछे नागा ने बच्चे ने नहीं छड़ने चाहिए शहीद करने चाहिए ने पार किया उस मौके से जंगू ने जिम्मे बड़ा भारी जुल्म किया नाग इन्हें भी किया उस मौके पूछे आप वजीदे साहबजादे साहबजादे हो
जे भला मैं तुहानू बरी कर देना तुसीं दसो की करोगे, तुहाडा प्रोग्राम की। सत साल की अवस्था दे किसी पैगंबर अवतार के बच्चे को यह जो प्रश्न कर ही नहीं सकता। ये प्रश्न करूँ तो उत्तर नहीं मिल सकता। और कचहरी दालम ने जिसे हमने शहीदी प्राप्त करनी है, तो गुरु प्यारे सानू गुरु के लाग लिया जा। तो जो अगो उत्तर है वह सुनो की है। कह लगे वजीर खान साढ़े कद छोटे आ, साढ़े गात्रे कृपाना छोटिया, साढ़े तनख से एक तीर छोटे। जिमें जिमें साडा कद बढ़ेगा तिवें तिवें साडे ये कृपाना भी वड्डिया, ये तरस ते तीर भी वड्डे। जे भला असी जवानी तक पहुंचे तो साढ़े कोल होणगे घोड़े ते फौजां ते हाथी, असी चढ़े होवांगे उन्हां दे उपर, केसरी निशान होणगे साढ़े हाथ विच, नाल साढ़े होवेगा खालसा। सत श्री अकाल दे जयकारे पुजाया करांगे, तौसे ते नगारे वज्जणगे। और तेरे वर्गे जालिम जो इस तरह रहे तो उन्होंने मुकाबला मैदानी जंग भी करांगे, धार्मिक युद्ध करांगे। ये साडा प्रोग्राम है, अगे वास्ते इउं करिया करांगे। महाराज रह के सुन के अखीर फतवा लाया गया कि गुरु के साहब जागे तंग कर करके नींद चिन चिन के शहीद करो। एक एक बार जब लाओ तो मुड़ मुड़ पुछो, शायद ये केस मना लैन, शायद ये तंबाकू वरत लैन, शायद ये सिखी तो पतित हो जाए। तो गुरु प्यारे सीधा जुलम सत से नौ साल की अवस्था के साहबजादिया नीयर चिण लगे ने। तो जब नीयर चिण लगे उस मौके पर इटा नहीं छांगिया साहबजाद दिटे छांगे गए, फिर अगे गोडिया दप्पड़िया छांगिया गई। और तो जो छाती तक तंग आ गई उस मौके पर यह प्रसंग तो बड़ा है। मैं सूखम रूप में बेनती कर रहा हाँ। तो गुरु प्यारे हो उस मौके साहब जोरावर सिंह जी फतेह सिंह जी कह लगे, फतेह सिंह जी जोरावर सिंह जी कह लगे, जन्म मैथों मगरों पर तुम सखों पहला चले जो ये नहीं चंगा, क्योंकि नींद थलियों उतारू आ रही थी। उस मौके पर कह लगे आप अरदास करिए, आप दोवें इकट्ठे ही तो विमान से चढ़ के चलीए। कह लगे सदगुरु पिता पाया तो इस तरह ही होगा। गुरु प्यारे हो देर के उस मौके पर फुल वरसाने लगे ने, हथों एक विमान आ गया है। सच्चाई मूह में कुंदरा पा के सोचने लगी, पर पाप संभल लगे ने, धर्म प्रफुल्लित हो लगा है, तो खालसा पंथ की नींव मजबूत हो लगी है, तो जुलमराज की नींत जग पटी जा लगी है। अखीर जालमा ने तो इको ही बार ऐसा करने तो पहले फिर पूछा, जो छापिया तक कंध आ गई खा घुटिया होया है, पर कि अगे ना बड़ी लाली है, खेड़ा है, शुक्र है, अरदास है गुरु के चरण फिर होया। शाही काजी मेरे साहब जा रहे होने भी वेला जे कुछ नहीं बिगड़िया। जे एक बार तुम कह दो असी अपना धर्म छड़िया, असी केस मनाने हैं, तो हमने जो चाहे तुम्हारी जान मुआफ, और अगे वास्ते जब वे हो गए और तुमरातवे मिलने, तो गुरु के साहब जादन फिर यही नारा ला के शहीदी प्राप्त कर लगे ने। फिर जावे जावे साधा सिखी सदत ना जावे, फिर जावे ता जावे साधा सिखी सदत ना जावे, जावे ता जावे साधा सिखी सदत ना जावे, जावे ता जावे साधा सिखी सदत ना जावे। गुरु करजी पर सच्चे पातशाह के लाड़ लिया तो इको ही जनमाना वार किया गया, दोवे शीस धड़ा नालों अलहदा होए, सतखंड विमान से चढ़ के सतखंड गुरु के प्यारे जब चले, माता जी आके फतेह गजाई। माता जी वेख के कह लगे साहब जा रहे हो, सो तुहाडी फतेह की आवाज तो सुन रही है पर तुहाडे दर्शन भी हो रहे हैं। माता जी असी अकाल बाणा पैर ले, असी हुण सतखंड चले हैं, दोवे साहब जावे
कलगी पर सच्चे पातशाह जो पास तेरे अंदर रूहां पुजियां तो फिर दोबारा उस शब्द दोहराया मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा का कहना तुद मेरे रोज रजाइया का ओडर नाग निवासा दे रहना। माता जी कह लगे असी भी प्यारा करते हैं गुरु प्यारे हो जगत माता माता गुजरी जी आप योगा अभ्यासी सन उस मौके से अपने प्राणन खिंच के दसम द्वार के लिजा के ब्रह्मरिंदर नाड़ी फोड़ के दसम द्वार थानी अपने प्राण छड के सत्संग आप जी नाल पहुंचे। सो अज तीन शहीदियां हुई ने गुरु प्यारे माता गुजर कौर और छोटे साहबजादे साहब जोरावर सिंह ते साहब फतेह सिंह। सो गुरु प्यारे तीनों लोगों ने इतने गलत अनुमान लाए कोई कह लगे कि माता जी ने कंध नाल टक्कर मारी है कोई कहने हीरा चक लिया कोई कुछ पर उन्होंने कहना बिल्कुल गलत है। कलगी पर सच्चे पातशाह जी आप फरमाया पाप मात मुर अलख आराधा मोहन जोग साधना साधा उन्होंने जोग साधना साढ़े माता पिता जी ने साधी हुई थी। जोगी पुरख जदों भी चढ़ाई करेगा तो दसम द्वार थानी प्राण कढ़े। दूसरे साढ़े माता अजीत कौर जी ने जदों साढ़े सतगुरु पिता जी अपने पति स्वामी गुरु गोबिंद सिंह साहब पास बेनती करके जो योगा अभ्यास की सिक्ख्या सी हजूर दसी के उस तरह प्राण दसम द्वार में चढ़ाने लग जाए अंतर जामता हुई साढ़े माता जी ने देख के कह लगे कि तुम अनंतपुर साहब छड़ दोगे साहबजादे ने शहीद होना है। हाँ अजीत कौर जी एक तौर से असं जान बुझ के गुर पाना है फिर सानू आगे दे रहे सदखा असी जाइए तो तुम अगे चलो। साढ़े माता अजीत कौर जी जब सदखा गए सन तो गुरु प्यारे उन्होंने भी दसम द्वार थानी प्राण कढ़े सन। यह मिसाल है पहली हुण माता गुजरी जी ने भी प्राण खिंच के दसम द्वार थानी जब कढ़े इस वास्ते फिर थोड़ा जो कानून का सामना इस वास्ते ऐसी कार नहीं कमरा चक्कर मारी नहीं कोई हीरा चकिया नहीं होर किसी तरीके माता जी की महान कुर्बानी में कलंक करना बड़ा पाप हो गया। गुरु प्यारे हुण आपां थोड़ी जी विचार इत्थे कर लईए जदों चारे साहब जाके कुर्बान होए परम सिंह आके राज कर लगे के पास हजूर सच्चे पातशाह टाली वाले साहब सन हजूर ने कहा सिंह धर्म की राखी वास्ते शहीद होने सोचने योग नहीं महाराज टाली साहब जाके रहने चाहिए सन। हजूर ने कहा जी असं रखना चाहते अजय चल दया सिंह धर्म सिंह भाई मान सिंह ने कहा कि आज गढ़ी विचों निकल के सब मिल पाओगे तो तिने सिंह सानू मिलते साहब ज्यादा भी बार कर सकते जान बुझ के असं शहीद करवाए ने धर्म की राखी वास्ते शहीद होने पूरा सब धरती से मेस के जब मेसियां कहते कोई अफसोस होया कहते जी कोई अफसोस नहीं हजू चल के दूसरे साहब ज्यादा ने शहीद होने का अफसोस नहीं मनाओ के धार्मिक वास्ते शहीद होए ने धर्म की राखी वास्ते शहीद हो पाप नष्ट किया उन्होंने खालसा पंथ की नहीं मजबूत करने वास्ते पिता जी साहब ने गुरु प्यारियो हजूर ने सब खुशी अरदास की सन हम आप दूजे पास वाल तकिए अपने हथी परमात्मा श्री रामचंद्र भगवान ने दसम जी ने हुए सर अखा तो दसम जी उस मौके से महिला कुछ हार मार के मर गए नहीं पुत्र का विछोड़ा कर सके इब्राहिम पैगंबर बाद अपना पुत्र जोड़ा कर सके अखा से पत्ती बन गई छत्तर अगे कर दिता उन्होंने जीवन ढाई छुड़िया।